पीजीआई अस्पताल के गार्ड समेत चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि लखनऊ के मोहनलालगंज में एक महिला की निर्वस्त्र लाश मिली थी। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता विजय से। विजय, अब तक तफ्तीश में क्या क्या अच्छा पता चल पाया है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो खबर मिली है वो यही है कि गार्ड को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस की जो थ्योरी है वो यही बता रही है कि इस पूरे जो पूरा मामला हुआ है, इस पूरे के लिए पूरी तरह से गार्ड ही जिम्मेदार है। लेकिन अभी तक इसके लिए कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इसका हो सकता है कि आज दोपहर तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तब कहीं जाकर के पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को खोले। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विजय। तो यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले कम होने के बजाय बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लखनऊ का मामला अभी ठंडा पड़ा नहीं था कि कानपुर में बिल्कुल वैसा ही एक मामला सामने आ गया। बीच सड़क पर एक महिला की निर्वस्त्र लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के शरीर पर जख्म के गहरे निशान थे। करीब 12 घंटे तक पुलिस मौके वारदात पर नहीं पहुंची। मीडिया के दखल के बाद एसएसपी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एक्सीडेंट का मामला दिखाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं रामपुर में एक महिला पर एसिड फेंका गया। तो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही यूपी में, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं और सरकार सो रही है। सूचना के आधार पर तुरंत चौकी इंचार्ज डायल 100 की गाड़ी वहां पे पहुंची और महिला का लाश वहां पे सड़क पे पाया गया था। तो उस महिला का लाश को किनारे किया गया था वहां से, सड़क से हटा के और पंचायतनामा वगैरह भर के उसको पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा गया है। अभी इसमें जो इस तरह की चोट और निशान जो बॉडी पर है उस पर कुछ ट्रक के टायर के निशान इस तरह के दिखाई दे रहे हैं और महिला का उम्र करीब 40 या 45 के बीच में हो सकता है और जो सिर पे भी काफी गहरा चोट है और सिर पूरी तरह से मतलब डैमेज हो चुका है। तो उसके वजह से उस औरत की शिनाख्त नहीं हो पा रहा है, उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। अभी पोस्टमार्टम जब हो जाएगा तो इसमें काफी और चीजें जो है